ये सरकार ने अत्याचार हमें हमारे मराठा बांधवों पे किया है। आपको विनती करते हैं कि इस बंद में आप शामिल होइए। जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एकत्र हुए मराठा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना का गंभीर असर राज्यों में देखने को मिल रहा है। कल्याण में भी मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं और शिवाजी चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नारे लगाए और उनकी एक प्रतिकृति को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो मराठा समुदाय अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा। मराठा क्रांति मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कल्याण में जगह जगह घूमकर दुकानदारों और ऑटो रिक्शा चालकों सहित अन्य जन सेवा मुहैया कराने वाले लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की है। मराठा क्रांति मोर्चा के स्थानीय नेता हर्षवर्धन पालंदे ने हालांकि दावा किया है कि कल्याण के पूर्वी हिस्से में ज्यादातर दुकानें बंद है। जालना जिले में जो ये सरकार ने अत्याचार हमें हमारे मराठा बांधवों पे किया है उसके निषेधार्थ आज ये कल्याण बंद है और हम कल्याण के सब भाई बहनों को, हमारे सब रिक्शा चालकों को, सर्व दुकान मालिकों को हम ये विनती करते हैं कि मराठा समाज के इस आंदोलन में, इस बंद में आप खुद होकर शरीक करिए। हम हाथ जोड़ के सबको विनती करते हैं कि इस बंद में आप शामिल होइए और मराठा समाज के ऊपर जो है सरकार ने अन्याय किया है, जो हमारी महिलाओं पर, माता बहनों पर लाठियां बरसाई है, उसके निषेधार्थ ये बंद है। और हम ये आह्वान करते हैं हम सबको, ये रास्तों पर हम घूम घूम के सबको हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे रिक्शा भाइयों को, हमारे नागरिकों को, कि आप आज एक दिन का बंद रख के हमको सहकार्य करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।